we have seen that lactan is the medicine which is very, very important in treating the migraine cases. So, ab thoda koshish karenge ki kaise, matlab, why lactan is coming again and again, or how it is helping our patient. So, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं. इट्स अ बिच मिल्क. और अगर हम डॉग की बात करें, इट्स अ मैमल. तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द लैक्कैन, वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड द क्वालिटीज ऑफ मैमल, कि हाउ इट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन लैक्कैन पर्सनालिटी, इन लैक्कैन मेडिसिन इटसेल्फ. व्हेन वी टॉक अबाउट द मैमल्स, देयर इज अ इशू ऑफ आई वुड से ग्रुप. They have to be in a group. They have to be in a family. So there is an issue of self versus group. और जब भी आप group में होते हो तो उसमें कुछ certain rules हैं, वो आपको follow करने होते हैं. एक hierarchy का issue है कि एक head होगा, बाकी सब उसको follow करेंगे. तो ये एक general quality होती है. And if we talk about the, because mammals mean those who are feeding, breastfeeding. I mean there is in the mammals. So the maternal instinct, it is very, very exaggerated in mammals itself. So they are, the mammals are more loving and caring towards their young ones. And if we talk about the energy, because it's an animal. So animal has a this quality of fright, flight, freeze and escape and hide in स्ट्रेस सिचुएशन की. कुछ भी जब उसके ऊपर प्रॉब्लम आती है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो वो एकदम से उसके ये रिस्पॉन्स आएंगे. अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो उसमें इतना डिमार्केशन नहीं होता, वो एक जगह फिक्स है. बट एनिमल्स में वो, उनको एक लिबर्टी है कि वो छुप सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, या एकदम से रिस्पॉन्स फ्रीज का भी हो सकता है. एंड सिंस लैक्कैन इज अ बिच मिल्क, so bitch is a domesticated animal. और इसके अलावा जो medicine है जो और animals के दूध से बनी है वो है lactan, lacdef, lacequinum, lacfel and lacacinum. तो as you can see lacacinum क्या है, इससे अपना गधे के दूध से. lacfel जो बिल्ली का दूध है. equinum is horse milk. तो इस तरीके से lacdef is cow's milk, then lac buffel, इसका भैंस के दूध से भी दवाई बनती है. So domesticated animals में क्या होता है, they are being under the control, कि उनको एक जगह बांध दिया जाता है और उनको उसी हिसाब से चलना होता है जैसे उनके मास्टर कहें. So it's like उनकी अगर हम सिचुएशन की बात करें, they are like a puppet. उनकी अपनी फ्री विल नहीं है. अगर उनका घूमने का मन करा तो वो नहीं घूम सकते, उनको एक जगह बांध दी. And they are being trained like that. तो उनका जो एक instinct है, जो एक basic instinct है, वो दबा दिया जाता है. So they are being tamed and trained. और जो उनके अपने, जो उनका खाने पीने का है, they are dependent on the on their master. तो you see domesticated animals में एक control होता है. And उसमें एक जो main theme उभर के आ रही है, because उनकी अपनी कोई free will नहीं है, उनकी dependency है, तो उनको क्या करना है, क्योंकि मास्टर पे डिपेंड है, तो दे हैव टू प्लीज द मास्टर. तो वो अपनी इच्छा से नहीं बिहेव कर सकते, जैसा उनका मास्टर चाहेगा वैसा उनको बिहेव करना पड़ेगा. और अगर हम डॉग की बात करते हैं, तो बहुत साल पहले ये जो है इसको, कि वुल्फ से इसका इवोल्यूशन हुआ है. फैमिली जो है कैनिडे है. तो धीरे धीरे एज यू कैन सी द पिक्चर, कि एकदम कैसे वुल्फ, यू नो, एक जैसे बड़े से डॉग को अगर इमेजिन करें, और धीरे 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 थ्रू सिविलाइजेशन एंड बीइंग टेम्ड एंड ट्रेन्ड, दे हैव चेंज द स्ट्रक्चर. एंड देन इफ यू टॉक अबाउट द डॉग क्वालिटीज, जब कहते हैं ना भाई हम डॉग को कैसे इमेजिन करते हैं, तो डॉग्स आर ग्रीगेरियस एंड सोशली कॉन्शियस एनिमल, कि ह्यूमन इमोशंस को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं. एकदम जिसे कहते हैं ना, यू नो, वेरी वाइब्रेंट. जैसे ही अगर आपके घर में डॉग है तो एकदम भाग के आएगा, आपको लिपटेगा, चाटेगा, यू नो, यू फील हैप्पी यू हो, कितना अच्छे से, जैसे कहते हैं ना, तो यू फील लाइवली विद द डॉग. एंड नेचुरली दे आर वेरी डिवोशनल, जिसे कहते हैं ना, कि जो इनकी हम क्या बात कर सकते हैं, वो
जो इनकी डेडिकेशन है अपने मास्टर के लिए बहुत ज्यादा होती है, वो कुछ भी करेंगे, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना लॉयलिटी है इनमें, एंड दे आर वेरी सेंसिटिव टू रिजेक्शन, कि जरा सा भी उनको डांट दे तो एकदम ना दुम दबा के एकदम कोने में बैठ जाएंगे, एंड दे आर सेंस, दे हैव द सेंस ऑफ ओबीडियंस, डिजायर टू प्लीज, एंड दिस फियर ऑफ स्नेक्स इज वेरी मच मार्क्ड इन डॉग्स, एंड दैट्स व्हाई वी सीन इन आवर मेडिसिन ब्लैक कैन, कि जो स्नेक्स का जो डर है इट इज वेरी वेरी मार्क इन रेपर्टरी, इट इज गिवन इन 3 मार्क ब्लैक कैन, देन एग्रेसिवली प्रोटेक्टिव ऑफ देयर यंग वंस. एंड अगर हम एक सिचुएशन की बात करें या डॉग के बारे में बात करें, देयर इज अ सेइंग दैट टू ट्रीट समवन लाइक अ डॉग व्हिच मींस टू पुट देम डाउन, इंसल्ट देम एंड डोमिनेट देम. तो इन अ वे डॉग, ठीक है हम उसको घर में रखते हैं, प्यार करते हैं, पालते हैं, पर डॉग को ये पता है कि वो कभी भी इंसान के बराबर नहीं हो सकता. ही इज बीइंग बिलिटल्ड, तो वो उसको एक पता रहता है कि वो उतना वर्थ नहीं है, वो चाहे वो कितने भी प्यार से बात करे, पर उसकी डिपेंडेंसी है तो ही हैज टू प्लीज हिज मास्टर. एंड बिकॉज दे आर एनिमल, तो उनका एक अपना इंस्टिंक्ट है, दे हैव दिस विल, दे हैव दिस एनिमल नेचर इन हिम. तो देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, दैट कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस व्हेन यू टेम अ डॉग और व्हेन यू ट्रेन अ डॉग और यू हैव अ हाउस डॉग. सो what happens, there is an internal contradiction, means अंदर से गुस्सा आ रहा है, suppose dog को आपने डांट दिया, कुछ बोल दिया, पर वो दिखा नहीं सकता है अपना गुस्सा, so the body does the contrary of their heart, so it's an abuse situation and two desires, कि अंदर से तो उसको एक natural response आ रहा है, एक animal response आ रहा है, पर उसको behave अलग करना पड़ रहा है. ये same situation जो है हमारे लैक कैन के पेशेंट में भी होती है, कि उसको एक, या हम जैसे मैरिज की जब हमने बात की कि मैरिज के बाद एक सिम्टम्स आते हैं, तो ऑब्वियसली एक अलग माहौल होता है, एक अलग चीजें होती है, तो शी हैज टू प्लीज अदर्स, शी डिपेंड्स, आई मीन दैट सर्वाइव, फॉर दैट सर्वाइवल शी हैज टू प्लीज अदर्स, सो दैट टू डिजायर्स आर देयर, कि अंदर से तो कुछ और हो रहा है पर बाहर कुछ और बिहेव करना पड़ रहा है. स्पेशली ऐसा फीमेल्स की बात नहीं, मेल्स में भी हो सकता है. सो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, इट्स लाइक अ कि कैसे एक कॉन्ट्रडिक्शन होता है और उस कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से कैसे हमारी बॉडी सफर करती है. देन देर इज अ ऑटो डेप्रिसिएशन, इसका मतलब क्या है कि अपने को कम आंकना. उसको लगता है, डॉग को लगता है कि मैं इंसान के बराबर नहीं हूं. तो ऐसे ही ये सेम सिचुएशन लैक कैन के पेशेंट में होती है, कि उसको हमेशा अपने को ऐसा लगता है कि मैं कुछ कम हूं, मेरी वर्थ नहीं है, मैं उतना लायक नहीं हूं, है ना. दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर, देयर इज अ कंटेम्पचुअस, ही इज द पर्सन और अ पेशेंट और दैट फीलिंग दैट इज अ कंटेम्पचुअस विद हिमसेल्फ. Then dirty and ugly feeling. ये एक लैक कैन के पेशेंट में या प्रूविंग्स में जो देखी गई है, कि जब भी लैक कैन प्रूव की है कि पेशेंट बोलता है कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे मेरे हाथ गंदे हैं, मेरा शरीर गंदा है या मैं गंदा हूँ, इसलिए वो पूरा टाइम हाथ धोता रहेगा या नहाता रहेगा, बार बार सफाई में लगा रहेगा. एंड एडवांस केसेस में ऐसा होता है, दे डज नॉट टॉलरेट द साइट ऑफ हिज ऑन बॉडी, एंड इस लेवल तक हो जाता है कि एक तरह से देर इज अ मेंटल एनोरेक्सिया, मतलब उनको अपनी बॉडी से इतनी हेट्रेड हो जाती है, दे हैव दैट अगली फीलिंग दैट आई एम अगली, माय बॉडी इज अगली, यू नो दे हेट देमसेल्व्स, सो टू मच सेल्फ हेट्रेड इज देयर इन द दिस प्रूविंग. देन देर इज अ लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिकॉज देर इज अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सो दे मिस्टेक इज ऑन कि मैं कौन हूं. That patient feels कि I'm immaterial, मेरी कोई identity नहीं है, उसको एक confusion रहती है कि कहीं मैं हूँ क्या, मुझे पता ही नहीं है. And इसी का extension ये हो सकता है that he feels that the delusion is someone else, कि कोई और है, मैं नहीं हूँ, कोई और ही हूँ. That delusion he becomes smaller, क्योंकि जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि lack can patient को क्या लगता है,
वो छोटा है, वो कम है, वो दूसरों से कम अपने को आंकता है, तो इसीलिए उसको ऐसे लगता है कि जैसे उसकी बॉडी भी छोटी हो गई है। जैसे हम, और ये रूब्रिक्स लिबर्टी में दिए हुए, कैनाबिस इंडिका में क्या लगता है, उसको लगता है जैसे उसकी बॉडी बहुत बड़ी 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 हो गई है, इसके लिए उसको चीज अपना शरीर ऐसे लगे मेरा शरीर बड़ा हो गया है, चीजें बड़ी हो रही है। प्लैटिना के पेशेंट को ये डिल्यूजन होता है, दे हैव दैट सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि मैं बड़ा हूं, तो उसको क्या लगता है मैं जैसे बहुत बड़ा हूं, इसलिए उसको डिल्यूजन भी कैसे होगा बड़े वाला, ग्रेटर नो, कुछ ग्रेट पर्सनैलिटी या साइज को लेके भी कुछ बड़ा बड़े लगेगा, चीजें उसको छोटी नजर आएगी। बट लैक कैन इज अपोजिट, उसको एक इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, एक लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ही फील्स कि मैं छोटा हूं, मैं वर्थ नहीं हूं, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ डिल्यूजन कि उसकी वो छोटा होता जा रहा है। देन there is a depression, wants to die and problem with his memory and concentration. So we'll see ये जो भी 5-6 rubrics हैं, rubrics नहीं, ये जो symptoms जो आए हैं, इसको हम repertory में कैसे देखेंगे? Because ठीक है patient आ रहा है, हमें भी पता है ऐसे बात कर रहा है, पर उसको हमने apply कैसे करना है patient में? और कोई भी symptom जब तक characteristic नहीं है, जब तक हम उसको अपनी materia medica में नहीं पाते, क्योंकि बहुत बार आता है patient आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, कहानी सुनाते जा रहे हैं, 2 पेज 3 पेज भर दिए, यू फील अरे वाह दिस इज सो कैरेक्टरिस्टिक। नहीं, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम वो होगा जिस जो हमें हेल्प करेगा प्रिस्क्रिप्शन में, एंड वी शुड बी एबल टू यू नो ट्रांसलेट द पेशेंट लैंग्वेज इनटू द रूब्रिक फॉर्म। सो दिस विल ट्राई टू लर्न एंड विल ट्राई टू सी कि हम कैसे पेशेंट की लैंग्वेज को रूब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। एज आई टोल्ड, there is a contradiction in a patient. उसकी जैसा वो सोचता है वैसा वो बिहेव नहीं कर सकता। So you see antagonism, मतलब अपने ही साथ उसकी लड़ाई चलती रहती है, खुद से ही वो कहते हैं ना खफा रहता है। So fear to express anger, why? Because it may result to being judged, despised or put down. कि अगर उसने दूसरों के हिसाब से बिहेव नहीं किया, लोग उसको जज करेंगे। अब जैसे हमने पेशेंट देखा, अभी फर्स्ट पेशेंट जो हमने डिस्कस किया था उसमें यही था ना, दैट आई डोंट ट्रस्ट ऑन एनीबडी, मुझे लगता है लोग जजमेंटल हैं, लोग जज करते हैं, लोग ट्रस्ट वर्दी नहीं है, लोग मेरे पे मुझे गलत समझेंगे, इसलिए मैं किसी से बात ही नहीं करती हूँ। सो आई हैव टू यू नो बिहेव इन अ सर्टन वे, despise or put down. So because of that fear, they have this tendency that I have to please others. So that's why there is an antagonism. So antagonism with self, this is a rubric. And we have 28 medicines. We have the anacardium, kalika, crotsy, lac humanum, sepia, silesia. So, and in some way, rubric to ek hai, but jo reason hai ya jo presentation hai, wo ekdam entirely different hoga. For example, anacardium. Anacardium also has antagonism. But anacardium mein exactly there is a split. You know, uski do thoughts saath saath chalte hain. Usko aisa nahi hai ki wo andar se feel kar raha hai aur bahar alag behave kar raha hai. Wo dono hi feeling uski ekdam saath saath chalegi. Even sepia mein aisa hota hai. Lac can mein to coerced है, forced behavior है, so that's why there is antagonism. So likewise, कभी मतलब we can see कि rubric एक है, ठीक है medicines दी हैं, but उसमें हमें ये देखना होगा कि हर medicine अलग अलग reason से उस rubric में present है. Then writing meanness to his friend or her friend, single medicine दी हुई है, lack and that to be in a italic. Italic का मतलब ये ज़्यादा proverbs में ये medicine या ये symptom observe किया गया है. मीननेस टू हर फ्रेंड का मतलब यही एंटागोनिज्म ही है कि बहुत बेस्ट फ्रेंड है और वन डे वो बहुत कुछ गलत गलत कुछ ऐसी ऐसी बातें लिख देगा, एंड जनरली इट हैपेंस इन इंसैनिटी। देन देयर इज अ इंटेंस अग्लीनेस एंड हेटफुलनेस राइट टू हर बेस्ट फ्रेंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मीन एंड डिसकंटेंशियस थिंग्स, हेरिंग हैज गिवन दिस सिम्टम। सो दिस वे वी कैन कन्वर्ट दिस रूब्रिक, है ना, यू सी द एंटागोनिज्म, वी सी दैट मीनिंग एंड ऑल, ठीक है ये सिम्टम आ गया पर उसको हमने रेपर्टरी में कैसे देखना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। देन
लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, देयर इज अ सेल्फ एस्टीम कि वो अपने को कम आंकता है, दे यू नो लैक इन पर्सनैलिटी, दे डाउट हर एबिलिटी एंड सक्सेस एंड थिंक हिमसेल्फ ऑफ लिटिल कॉन्सिक्वेंसेस कि मैं तो किसी लायक ही नहीं हूं, मैं तो बस बस ना कुछ जिसे कहते हैं. एंड देर इज अ सेल्फ डेप्रिशिएशन, सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड सेल्फ डिस्गस्ट, अपने को ही क्रिटिसाइज करते रहेंगे अपने से ही अपने, यू नो सेल्फ रिप्रोचिंग इज अ वर्ड, वो भी आता है. देन डिस्गस्ट, अपने से एक घिन की जिसे हम कहते हैं. और जब देन देर इज अ, और ये धीरे धीरे डेवलप कैसे होता है, बिकॉज देर इज अ यू नो सम सॉर्ट ऑफ, दो बातें होती है, एक सिचुएशन है कि ठीक है एक बच्चे को आपने ऐसा माहौल दिया, पर उसमें सब हर कोई लैक कैन में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ एनाकार्डियम में भी जाएंगे, कुछ लाइकोपोडियम में भी जाएंगे. तो इट्स लाइक कि सिचुएशन जो है वो ट्रिगरिंग हो सकती है, मॉडिफाइंग हो सकती है, पर जो कॉज है वो इंडिविजुअल होता है. तो सेम सिचुएशन में अगर 10 इंडिविजुअल हैं वो अलग अलग रिएक्ट करेंगे. जैसे अभी हमें एंटागोनिज्म का रूब्रिक लिया है, तो उसमें जितनी भी 23 मेडिसिन है सब में जो है वो रिफ्लेक्शन अलग अलग आएगा, तो वो एक फाइन हमें देखना पड़ेगा. सो दे हैव दिस पुट डाउन बाय फीलिंग ऑफ पुट डाउन बाय अदर्स, क्रिटिसाइज्ड, डिमिनिश्ड लाइकली बाय द पेरेंट्स ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव इयर्स. शुरू में पेरेंट्स बार बार बच्चे को बोलते तू तो गधा है, तू तो निकम्मा है, तू किसी काम का नहीं है, है ना. धीरे धीरे ये सुन सुन के बच्चे में एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, वो दूसरों पे विश्वास करना छोड़ देता है. एंड इन दैट वी हैव हायोसाइमस एंड नाइट्रिक एसिड इंपॉर्टेंट मेडिसिन. लैक कैन इज वन ऑफ देम, जहां पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है, दे हैव बीन यू नो बिलिटल्ड बाय देयर पेरेंट्स. एनाकार्डियम इज ऑल्सो वन ऑफ द अदर मेडिसिन. बट अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है और दूसरों पे विश्वास नहीं है, तो हायोसाइमस एंड नाइट्रिक एसिड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन. दे आर ऑलवेज सस्पिशियस, उनको दूसरों के मोटिव पे, दूसरों के कहने पे हमेशा एक अविश्वास रहता है, वो कभी किसी पे विश्वास करते ही नहीं. देन इनफीरियर ऑफ लुक डाउन, डिपेंडेंट एंड फीलिंग ऑफ विक्टिम एंड स्लेव, जैसे डॉग में दे कैन नॉट बी मास्टर, दिस यू कैन सी इन आवर लैक कैन पेशेंट. देन देयर इज अ सेल्फ डेप्रिकेटरी, यू नो यू सी डॉग में एक्सप्रेशन कैसा रहता है कि जब वो अपनी पूंछ को बीच में, टांगों के बीच में है, तो यू नो उसको एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो डर गया है. सो रूब्रिक अगर हम इसके देखें तो कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डेप्रिकेशन. देन डेल्यूजन, ही इज वर्थलेस, कि मैं कुछ नहीं हूं. डिस्पाइज्ड इज, कि नीचा दिखा दिया है लोगों ने. देन She is being looked down, lack can. Then contemptuous of self. Then delusion of prostitute. Eh? Only single medicine, lack can. So patient ko delusion of prostitute ka matlab, prostitute is like, she is also being used by others. उसकी कोई वर्थ नहीं है, लोग उसको हेट की उससे देखते हैं, और धीरे धीरे उस पेशेंट में भी ये आ जाता है. तो प्रोस्टिट्यूट से मतलब यहाँ पे there is a self disgust, there is a self depreciation. You would see in lactan personality. Then, because of this self-disgust, they develop this dirty and ugly feeling. And usko hum repertory mein kaise dekh sakte hain? Delusion of dirty he is. Then desire to wash. Kyunki jab naturally patient ko lag raha hai ki main bahut ganda hu, to wo बार बार क्या करेगा, हाथ धोएगा, कपड़े धोएगा, चीजों को धोएगा, है ना. आर्सेनिक में भी होता है वॉशिंग मेनिया, बट आर्सेनिक को क्या लगता है कि जो गंदगी है वो सब बाहर है, उसको हर चीज एक थ्रेट लगती है, उसको लगेगा मौसम की वजह से मैं बीमार हूं, बाहर जर्म्स और बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है इसलिए मैं बीमार हूं. तो उसके लिए जो एनिमी है वो कहाँ है, बाहर है. और लैकेन का एनिमी कहाँ है, अंदर है, उसको अंदर से लगता है गंदगी. तो हैंड वॉशिंग लैक कैन में भी बहुत आएगी, या वॉशिंग मेनिया लैक कैन में भी आएगा और आर्सेनिक में भी आएगा, पर दोनों का अलग अलग रीजन है. सो रूब्रिक एक हो सकता है, एक्सप्रेशन अलग अलग होगा, रीजन अलग अलग होगा, और उसी पे हम मेडिसिन डिफ्रेंशिएट करेंगे. भाई ठीक है, पेशेंट आने आके बोल दिया अभी मैं तो बार बार हाथ देता हूँ, मुझे लगता है बार बार मैं कम से कम 15-20 बार धोता हूँ, ये भी साफ हो, सब साफ चाहिए. ठीक है, हमारे पास 25 मेडिसिन आ गई, अब उसमें सिलेक्ट कैसे करेंगे. सो दिस वे एंसिफिलिनम हैज ऑल टूगेदर डिफरेंट रीजन.
वी हैव अदर मेडिसिन ऑल्सो, सो वी मस्ट सी कि किस वजह से उस पेशेंट में एक्सप्रेशन, ठीक है एक सिम्टम आ रहा है, पर उसके रूट में क्या है, बैकग्राउंड में क्या है. देन देर इज अ सेल्फ, बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ डिस्गस्ट, हाथ धोना, साफ सफाई तो हो गई, फिर उसका और एडवांस वर्जन क्या है, दैट बॉडी लुक्स अगली. पेशेंट आके बोलता है, आपको लगता है ठीक है पेशेंट ठीक ठाक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आते ही वो कहेगा कि देखो डॉक्टर मैं भैंस जैसी हो गई, या मैं भैंसा जैसी हो गई, ये मेरा हाथ इतना खराब है, देखो एक्ने, दो तीन एक्ने निकले, देखो मेरा तो चेहरा ही एकदम ऐसे बेकार हो गया है, मुझे देख के उल्टी आती है अपने को, यू नो दीज टाइप ऑफ टर्म्स दे विल बी यूजिंग, कि मेरा तो ये हाथ देखो, ये हाथ ऐसे हो गए हैं बिल्कुल जैसे मैं अभी मजदूरी करके आई हूँ, दैट सॉर्ट ऑफ, की पूरे गंदे हो गए हैं, डिफॉर्म्ड हो गए हैं, यू नो. बट एक्चुअली यू सी इट्स अ डेल्यूजन. जैसे थूजा को है, थूजा में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेल्यूजन आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट as if his body is made up of glass, कि वो एक rigid idea है, वो इतने fragile और cautious हो जाते हैं, और एक और जो rubric है उनमें ugly feeling होती है, कि मेरी जो body है मैं बहुत ugly दिखता हूँ. so thuja also has this self depreciation. then एक और contrary rubric, जैसे as we were talking about the antagonism, तो सेल्फ को तो लगता ही है, लैकन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक आता है कि उसका, उसको अपना बॉडी ऑर्डर तो बहुत अच्छा लगता है और दूसरे का बॉडी ऑर्डर उसको सहन नहीं होता. दिस इज समथिंग वेरी पिक्यूलियर, कि जनरली हमने लैकन में क्या पढ़ा कि उसको अपने से घिन होती है, अपनी बॉडी से घिन होती है, पर उल्टा भी हो सकता है. एंड ओनली टू मेडिसिन आर देयर, दैट शोज कि जितनी कम मेडिसिन है किसी रूब्रिक में, वो रूब्रिक बहुत ही करेक्टरिस्टिक हो जाता है. एंड अगर जैसे अब सल्फर इसमें रेड में दिया, यानी कि 3 मार्क में, यानी कि जितने भी सल्फर के पेशेंट्स पे ये मेडिसिन प्रूफ की गई है, उसके अंदर ये मैक्सिमम पेशेंट में ये सिम्टम डेवलप हुआ है, तो ये और ज्यादा करेक्टरिस्टिक हो जाता है. तो लेसर द मेडिसिन इन अ रूब्रिक, मोर इम्पॉर्टेंट इज द मेडिसिन. सो लैकन एंड सल्फर सिर्फ दो ही मेडिसिन है. तो वी मस्ट रियलाइज एंड वी मस्ट सी कि हम एक साइड तो देख लेते हैं कि ठीक है भाई लैकन में ये है, या हम और भी मेडिसिन का देखते हैं, पर यू जनरली यू वुड सी द पोलैरिटी. किसी किसी पेशेंट में बिल्कुल एग्जैक्ट भी आता है, एनाकार्डियम में भी आता है, लैकन में भी आता है, सल्फर में भी आता है. सो दिस वे वी कैन लर्न. सो रीडिंग आर रूब्रिक एंड अप्लाइंग इट इज अ वेरी वेरी यू नो आई वुड से वेरी good to learn our materia medica. So we must always look into our repertory, ki ek patient ek baat bol raha hai, usko hum rubric mein kaise convert karenge. To bahut bar materia medica mein hum books mein padhte to wo symptom nahi diya hota, repertory mein diya hota hai. So we have to really relate. Then there may be a disgust to his own body. So we have only 7 medicines. To dikhne mein similar hai, par you see the fine demarcation in this rubrics. Then mind of disgust of self, then disgust of oneself. Then coming to the mind section only, physical insecurity. They have this lack of confidence, that self-disgust, but they have the physical insecurity also. They have fear of contagion, ki mujhe bahar se infection na lag jaye. So we have 21 medicine in that. Then बच्चों में अगर ये सिम्टम आ रहा है कि इन्फेक्शन का डर, कि इन्फेक्शन ना हो जाए, देन देयर इज अ दे फील दैट हर डिजीज इज इनक्यूरेबल, ही हैज अ इनक्यूरेबल डिजीज, कि पेशेंट को कुछ भी होएगा, वो पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब मुझे तो ऐसा लगता है मैं तो अब कभी ठीक नहीं हूंगा, मेरी तो बीमारी ऐसे होगी. और अदर डे दे विल से कुछ भी हो गया, डॉक्टर साहब मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं कुछ और ना. अब उनसे पूछते हैं भाई कहीं कुछ और क्यों ना हो, तो वो कहेंगे नहीं नहीं मुझे लगता है कोई बड़ी बीमारी, फिर उनसे और कुछ. तो कई बार तो वो पेशेंट इतना डरा होता है कि कैंसर के नाम से भी डरता है. एंड लैकन में आई हैव सीन कि उनको बहुत डर होता है कि कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, कहीं मुझे बड़ी बीमारी ना हो जाए. वी हैव नाइट्रिक एसिड, वी हैव कालिया, और अदर मेडिसिन आर ऑल्सो देयर दैट इंडिकेटेड इन द फियर ऑफ कैंसर, मैंसिनेला, सो मेनी मेडिसिन आर देयर. सो बट यू सी द रीजन इज ऑलवेज अ डिफरेंट इन ईच एंड एवरी मेडिसिन. देन डेल्यूजन ऑफ सिक बींग, हमेशा पेशेंट को लगता है मैं बीमारी हो गया, तो उसके भी जो है वी हैव 51 मेडिसिन. एंड देन वी हैव अदर सिम्टम दैट दे डोंट वॉन्ट टू बी टच, और इवन अवर्जन टू टच वन सेल्फ,
कि उनको फिजिकल इनसिक्योरिटी से, मतलब वो अपनी बॉडी के साथ इतने अनकंफर्टेबल रहते हैं, दे हैव सो मच ऑफ सेंसिटिविटी विद द सेल्फ कि वो अपने आप का टच भी बर्दाश्त नहीं करते हैं. एंड देन दे हैव द डाउट, ऑलवेज डाउटिंग व्हेन द, सो नेचुरली द पर्सन हु इज हैविंग लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दे ऑलवेज डाउट देयर एबिलिटी एंड सक्सेस. एंड क्लार्क रिकॉर्ड्स इट इम्पोज विद द आइडिया दैट ऑल सी सेज इज अ लाइ, that all her symptoms are unreal and a result of a diseased imaginations. So it seems difficult to speak the truth. They feel critical of themselves to the extent of doubting their own integrity and experiencing guilt for the things that they may not have done. So ye rubric Clark ne record kiya hai, ab usko humne repertory mein dekhna hai. So what is the conversion? Mind delusion lie all she said, only one medicine. So that's why it is the characteristic symptom of Lacan, and if we can find this symptom in a patient, it can heal our patient. So here I'm not telling ki ek single symptom pe aapne dawai de di aur patient theek ho jayega, par jo maine itne saalon mein experience kiya ki I've seen ki koi characteristic symptom ek mil gaya, bilkul keynote, ekdam peculiar. और जब हम पेशेंट से उसी एक हमें एक राह मिल गई, अरे भाई इतना कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम आ रहा है तो लेट्स आस्क मोर, बहुत 90% आई हैव सीन कि उसके जो और भी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है लैकन के या उस मेडिसिन के, उस पेशेंट में मिल ही जाएंगे. सो इन अ वे अगर कोई हमें ऐसा पिक्यूलियर सिम्टम मिलता है तो वी मस्ट ऑलवेज सी. एंड दूसरी बात, अगर हम जितना अपनी रिपर्टरी को पढ़ेंगे, अपने रूब्रिक्स को पढ़ेंगे, विल बी एबल टू नो कि ये इम्पॉर्टेंट है. तो नेचुरली हम वही सिम्टम नोट करेंगे जितना हमें पता है. तो टू बी अ गुड प्रिस्क्राइबर, टू बी अ गुड होम्योपैथ, वी शुड ऑलवेज रीड आर मटीरिया मेडिका, वी शुड बी ऑल्सो थोरो विद आर रूब्रिक्स ऑफ रेपर्ट्री. सो इट्स अ वास्ट नॉलेज. जब तक हमें पता नहीं है, हमें अपनी मटीरिया मेडिका, हमें मेडिसिन का नहीं पता है, पॉलिक्रिस्ट मेडिसिन का नहीं पता है, अपने रेपर्टरी का नहीं पता है, हम पेशेंट से नहीं पूछ पाएंगे. क्योंकि हमें पता ही नहीं होता इनिशियली. एंड इवन आई हैव एक्सपीरियंस कि शुरू में हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमें क्या पूछना है, या पेशेंट ने कुछ कह दिया, हमें कुछ रूब्रिक के बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो अनऑब्जर्व चला जाता है ना? तो अल्टीमेटली सारे जो भी केसेस हैं, रेपर्टरी है आपका, जो अब तो कंप्यूटराइज्ड रेपर्टरी आ गई है, रडार है, ये सिर्फ हमारे टूल हैं, ये हमें एक इंडिकेशन दे सकते हैं. तो अल्टीमेटली होम्योपैथी इज आर्ट एंड साइंस. उसको आप कैसे परसीव करते हो, आप कितनी मेहनत करते हो, दिस विल देन एंड देन इट विल बी हेल्पफुल आवर पेशेंट. देन देर आर मेनी एलिमेंट्स in the Lacan, being abused sexually, physically in a newborn. So that's why this Lacan is a very important medicine. जहाँ पे छोटे बच्चे का रेप हुआ है या उसका molestation हुआ है, and उसके बाद patient में symptoms आने शुरू हो जाते हैं, that washing mania या फिर involuntary stool, involuntary urination or some aggressive behavior. तो this we must learn कि Lacan के दो side हैं. एक वो अंदर से, उसके अंदर animal instinct है. तो इंसैनिटी के केस में या मेंटल डिस्टर्बेंसेस के केस में एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा हो सकती है. लैकन में अगर स्पेशली ही और शी इज बीइंग अब्यूज्ड सेक्सुअली इन द पास्ट और फिजिकली, दे मे डेवलप वेरी एग्रेसिव रेस्टलेस बिहेवियर, यू नो दैट इनवॉलेंट्री यूरिनेशन और इनवॉलेंट्री यूरिन स्टूल, दीज टाइप ऑफ सिम्टम और द मैस्टर्बेशन टेंडेंसी, दे मे डेवलप. Then symptom appears after the adoption. We always talk about the magnesium group, जहाँ पे एक orphan feeling होती है, adoption के बाद symptom आते हैं. पर Lacan is very important because Lacan is from milk. So newborn का क्या होता है, when newborn is being adopted, तो उसका एकदम से क्या होता है, जो माँ का जो दूध है वो छूट जाता है. So you, that, you know, forsaken, that separated feeling, that nourishment is mother, love is not there. So they may develop these symptoms. Then death of loved ones, then death of parents or a friend, mortification, rudeness, and this lack of warmth and security at home. Then
How much time? Then we have the fears, you know, fear of spiders, you know. This I would not go in detail because there's, I think, only five or 10 minutes are there. So they have all the fears of creepy crawlies, fear of vermins and snakes and heart disease. So we have the rubric associated with it. Then these are the provings we have, you know, different masters have seen. They know, they imagine ki har jagah saap hai, bistar pe saap hai, bathroom mein har jagah, you know. And these type of things you see. And if we coming, we see in our repertory, we have the rubrics, fear of snakes, delusion snakes in and around her, then lying in on a large snake, only single medicine is there. Then dreams of this monsters and delusion of monsters are there in Lacan. And one more important, I would like to add symptom of this Lacan, that उनको इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी होती है नर्व्स की, स्किन की, कि वो अपनी उंगलियों को, जो बच्चा है या बड़ा है, वो ऐसे रखेगा कि बिल्कुल ऐसे कि उंगलियां भी आपस में टच ना हो. अगर वो सो रहे हैं तो पैर एकदम उनको ना आपस में टच नहीं होने चाहिए. सो मच ऑफ सेंसिटिविटी इज मार्क्ड इन Lacan पर्सनैलिटी. एंड इन द सेक्शुअल, सेक्शुअली ऑल्सो देर इज सेंसिटिविटी. सो दे इट हैज बीन नो सीन हिस्टीरिया एट द हाइट ऑफ ऑर्गेजम. Then if we see child, there you see the abuse and the rudeness and the aggressiveness. Then coming to the few general keynotes, as we discussed the alternating symptoms, alternating sight, then sensitive to touch and desires of salt and spices, alcohol, warm drinks. You know, it's these sorts of symptoms you see in Lacan. And female symptoms are very important in Lacan because it's a mammal medicine, mammal medicine. So they have the tenderness, heaviness, just like the Lacan, before and during menses, aggravation, the lumps and everything, and symptoms coming after the abortion. Then in head, we have the alternating headaches and few symptoms I've taken. Headache, you know, just like the gelsemium extending from, coming from the occiput and reaching to the whole head. Now, coming to the end of this webinar, which I have observed in my patients, especially in females, female who are having migraine, and the link with, between the Lacan and the female medicine and the migraine. If you see the situation of a female, you know, I would call it as a daughter-in-law syndrome. They have been also treated like this. There is a lot of expectations. There is a lot of prohibitions. There is a lot of compromises. Not in all. I mean, which I have treated, they at times compromise and rules are not so much, but the patient may be taking it as a so much. You know, there can be a delusion also, and in reality also. But if you see the scenario of this today's world, it is happening. You know, they are being split. You know, females are working and going outside, and there is so much of pressure of they have to look after their children, family, and they have to work in a company, or they have to be in a very good in their profession. You see, there is always a tussle in them, and uske on the top of that. एक फीमेल जो आके बोलती है कि फिर भी डॉक्टर साहब हमें ये सुनने को मिलता है, तुम हो ही क्या, तुम करती ही क्या हो, क्या हो गया, घर तो तुम्हें संभालना ही पड़ेगा, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, बच्चे तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, दैट सॉर्ट्स ऑफ थिंग. तो देर इज अ स्प्लिट कि मैंने इतनी पढ़ाई है, मैं कैसे छोड़ दूं, मुझे भी कुछ बनना है, या फिर जो हाउस वाइफ है उनको ये बोल दिया जाता है कि तुम पूरा दिन करती क्या हो, तुम घर में पड़े पड़े करती क्या हो, तुम्हारी औकात ही क्या है, तो पेशेंट ऐसे आके बोलता है कि मुझे डॉक्टर साहब ये बातें बोले जाती है. सो दे फील ह्यूमिलिएटेड, दे फील कि मेरी कोई वर्थ नहीं है, मैं किसी लायक नहीं हूँ. तो एंड आई हैव टू प्लीज कि क्या करें, नहीं तो मुझे घर से निकाल देंगे. जैसे अब मैंने ये 3-4 जो केसेस मैंने प्रेजेंट किए, तो I found ki few females have this type of scene, and
The second factor, which is very, very, very important, and the triggering, and the, I would say, the most important cause, is the reproductive system. Always there is a strong link between the reproductive system and the migraine, where you find a history of abortion, OC pills, surgery. And sexuality, it is more of an abuse. Now I'm finding it is more of a repressed and suppressed sexuality. And because of this, because the his spouse or husband is having problem with the sexuality, they are not having the proper relationship, so they feel that repression and suppression, and out of that they feel ki doctor sahab mujhe bahut frequently headaches ho rahe hain. So this was it. So thank you so much, and I would like to thank you for our team, the backbone and the founder of Bamra Arogya Trust, Dr. B.S. Chauhan, Dr. Jaya, Dr. Vaibhav, Dr. Malika, Sarabdeep Ji, Harpal, Rahul, and Dr. Manisha and Dr. Dipinvita, jinke kuch cases maine, study kiye and we have shared with you. So thank you so much. Aur एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि इन क्लिनिकल सेशंस को हम हर महीने अपने यहाँ सेंटर पे ऑर्गेनाइज करते हैं, शॉर्ट टर्म टीचिंग प्रोग्राम फॉर डॉक्टर्स एंड इंटर्न्स एंड होम्योपैथ्स. सो मे बी शॉर्टली विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस कोर्स. सो देयर वी टेक द केस हैंडलिंग, ब्लूप्रिंट्स ऑफ रेपर्टरी एंड मटीरिया मेडिका इंक्लूडिंग द लाइव केसेस. थैंक यू सो मच. And before ending the session, if you have some queries regarding this session, you can send us the message. Differential diagnosis. So this we will take because it's already 11 till 1:30 we have. कर सकते हैं. सो अभी थोड़ा सा अपने पास टाइम है तो थोड़ा सा हम डिफरेंशिएशन भी कर लेते हैं लैककैन का. या Lachesis, arsenic, argentum, and phosphorus. They have a very similar symptoms of lachen. Talking about the lachesis, lachesis also has we know it has an affinity for throat and female genitalia. They're left-sided medicine, and they have the same aggravation due around the menstruation, that fear of snakes and aversion and aggravation of pressure, and that feeling of floating and delusion and fears of about snake. Feeling of floating lachen mein bahut marked hoti hai, and I have seen कि they can be complementary, but सबसे ज्यादा जो differentiation हम करेंगे कि ठीक है एक जैसा लग रहा है, migratory headache है, left sided है, fear भी, delusion सब same है, but lachesis is a hot, very very hot patient, and lachen is chilly. Then we have the other differentiating factors in lachen. Then arsenic का जैसे मैंने अभी discuss किया कि arsenic का जो है, there is an anxiety, there is a fear of disease, fear of losing control. Same find in lachen, but the enemy is inside in arsenic. But in case of lachen, in lachen the enemy is inside. They feel themselves the disgust, but arsenic has a insecurity and the fear and the everything which is lying outside. Then argentum nitricum is also indicated. It rubric delusion of being despised and delusion of snakes and fear of falling, fainting, insanity, and so on. But argentum nitricum is entirely different. Though it may appear similar in the delusion, in the dreams, and in about the anticipatory anxiety, and in the craving of salt. But argentum nitricum is again a very hot patient.
then phosphorus, you know, that oversensitivity to height and smell, then heightened imaginations and fear of disease. But phosphorus is entirely a different altogether remedy. There, the phosphorus you see a more vibrant and more friendly and extrovert type of personality. So this was it. So if you have any queries and to this session, you can text us. Okay. So thank you so much. इतना लंबा मुझे सुनने के लिए. हमारी बाकी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं. धन्यवाद.